फाइनली 3 वीक के बाद हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 वीक में मार्केट में रेड निशान नहीं देखने को मिला, गिरावट तो था लेकिन आज के जैसा नहीं। आज मार्केट स्टार्टिंग से ही गिरता नजर आया और करीब निफ्टी में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। आज के इस गिरावट के पीछे 2 बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे। ये कारण ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। पहला कारण जापान मार्केट से जुड़ा हुआ है। जापान का निकी आज करीब 5% गिरा है। जापान का बाजार गिरने के पीछे का कारण है कि जापान के रूलिंग पार्टी ने नए प्राइम मिनिस्टर के लिए शिगेरु इशिबा को चूज किया है। वरीय नए पीएम इशिबा रेट हाई के बाद करते ही रहते हैं। अभी के समय जापान में सबसे सस्ता लोन मिलता था लेकिन ये पीएम बन रहे हैं तो डर है कि ये रेट को ना बढ़ा दें। इस न्यूज के चलते जापान मार्केट में 5% की गिरावट देखने को मिला। दूसरा कारण यह है कि चीन अपने देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए होम बायर्स के लिए नियमों में ढील दे रहे हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक ने रेट कट की घोषणा भी की है और नए सोवरन बॉन्ड इशू करने की बात भी कर रहे हैं, जिसके चलते चीन मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते काफी FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में से पैसे निकालकर चीन मार्केट में लगा सकते हैं। इसीलिए जापान और चाइना के इन दोनों न्यूज के चलते हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है।